सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नज़रीन इकराम, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि हुकूमत पाकिस्तान ने लॉकडाउन में थोड़ी नरमी की है और इसी वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ बाज़ार और दुकानें महदूद पैमाने पर ही सही और थोड़े वक्त के लिए ही सही लेकिन खोल दी गई हैं। अगर मुस्लिम क्राफ्ट बात करें अपने ज़िला अटक की, तो ज़िला अटक के बाज़ार पिंडी खेप, खौड़ या फतेह जंग, किसी भी बाज़ार को आप देख लें तो इस वक्त अवाम ने इतना रश वहाँ पर किया हुआ है कि कोई हद नहीं है। आपसे ये गुजारिश है कि अल्लाह का वास्ता है, मुसलमान बहन भाइयों, थोड़ा सा हौसला कर लें, थोड़ी सी एहतियात कर लें। ऐसा ना हो कि अनसिले कपड़े या ब्रांडेड सिले सिलाए कपड़ों के साथ साथ घर लाया गया वायरस ईदीम वीरान कर दे। लाइमलाइट से लाया नया जोड़ा किसी की ज़िंदगी की लाइट ना बुझा दे। अल्लाह ना करे ईद पर घरों में ईदी देने वाले ही ना रहे तो ये नए कपड़े आप किसको पहनकर दिखाएंगे? आपका नया जोड़ा, अल्लाह ना करे, किसी का कफन ना बन जाए। ईद की सेवइयां, जनाजे की कड़वी रोटी ना बन जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मुस्लिम क्राफ्ट की ये वीडियो पेशन गोई बन जाए। हम अक्सर मीडिया के ज़रिए सांस से वेंटिलेटर का सफ़र सिर्फ चंद घंटों में तय होते हुए देखते हैं या सुनते हैं। बहुत से लोगों को उखड़ते सांसों को छुपाते देखा है क्योंकि वेंटिलेटर का मतलब बहुत से जहनों के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत है। हम वहम को जहम बनते और मुबालगे को पछतावा बनते देखते हैं इस डर से कि कहीं डॉक्टर हमें वेंटिलेटर पर ना डाल दें। खुदारा खुदारा इस ईद पर नए जोड़े मत बनाएं। गुजारे हाल ही सही, पुराने जोड़े ही सही, पुराने फैशन के ही सही। मसलन पिछले साल अगर लंबी कमीज़ों का रवाज था और अब छोटी कमीज़ों का रवाज है तो कोई बात नहीं, या तो कमीज़ों को छोटा कर लें और अगर बॉर्डर वगैरह के ख़राब होने का डर है तो भी पिछले साल वाले पुराने कपड़े ही पहन लें। खुदारा ये वाली ईद नए जोड़ों को नहीं, एहसास को पहनकर मना लें। यकीन जानिए, सादगी से मनाई गई ईद खुद बुलाए गए सानेहात और कंधों पर उठाए गए जनाजों से बहुत बेहतर है। आज की ये वीडियो आप वार्निंग समझ लें, इंतबाह समझ लें, नसीहत समझ लें या वसीयत समझ लें, मगर इस वीडियो को अपने पास अमानत समझते हुए आगे ज़रूर शेयर करें क्योंकि अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद कि आपके वीडियो को शेयर करने से कोई संभल जाए और बाज़ारों का रुख करने से गुरेज करे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।